नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आज है मेरी सक्सेस स्टोरी। बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि हमारा कहीं पर पैसा फंस गया है, हम वहां से पैसा कैसे निकाले, उस पैसे को कैसे मैनिफेस्ट करें, मतलब हमारा ही पैसा और हमें ही मैनिफेस्ट करना है। तो ये जो मेरी सक्सेस स्टोरी है ना, वो भी ऐसी ही है। मेरा ही पैसा फंस गया था कहीं पर। मैंने ना उनका शूट किया था और मेरा 4.5 लाख रुपया था वो उनके पास में फंस गया था। उन्होंने पिछला तो पूरा पेमेंट मुझे कर दिया था, बट कुछ डेज का मेरा पेमेंट था वो पेंडिंग रह गया था और वो उन्होंने नहीं दिया। मतलब लिटरली उन्होंने मुझे मना कर दिया, हम आपको आपके पैसे नहीं देने वाले हैं। मुझे ही नहीं, पूरी की पूरी यूनिट को उन्होंने मना कर दिया कि वो पैसे नहीं देने वाले हैं, नहीं देने वाले हैं, साफ तौर पे मना कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो मुकर रहे थे, फोन नहीं उठा रहे थे, मैसेज नहीं कर रहे थे, साफ तौर पे वो मना कर चुके थे, हम पैसे नहीं देने वाले हैं। ऐसे इंसान से मैंने अपने पैसे मैनिफेस्ट किए। अभी देखो क्या हुआ। उसके बाद में भी ऑब्वियसली आपके पैसे होते हैं तो आप बहुत ट्राई करते हो। मैंने उनको बहुत कॉल किए, बहुत मैसेजेस भी मैंने उनको ड्रॉप किए, नो रिप्लाई, कॉल भी उठाना उन्होंने बंद कर दिया था क्योंकि वो पहले ही साफ मना कर चुके थे। उसके बाद में 2-3 बार मेरी उनसे फोन पर बात हुई, उन्होंने मुझे सीधे सीधे बोल दिया, सॉरी शांभवी, पेमेंट आपको नहीं मिल पाएगा, ये बात हमने आपको पहले ही बोल दी थी। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं आपके अगेंस्ट है ना फिर कंप्लेन करूंगी। हमारे यहाँ पर सिंटा है, सीनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन, वहां पर जाकर के मैंने कंप्लेन किया। लेकिन सिंटा का एक रूल है कि अगर वो प्रोड्यूसर अभी कोई काम नहीं कर रहा है ना, तो वो भी आपको पेमेंट नहीं दिलवा सकते हैं। प्रोड्यूसर अगर अभी काम कर रहा है, फ्लोर पर है, तो ही वो पेमेंट दिलवा सकते हैं, अदरवाइज वो भी पेमेंट नहीं दिलवा सकते हैं। तो वो अभी कोई काम नहीं कर रहे थे, मतलब मेरे पैसे मिलने के 0 चांसेस थे। सामने वाला मुझे पूरी तरह से मना कर चुका था, कॉल पर भी अब उसने मुझे मना कर दिया था, मैसेजेस के रिप्लाई उसने देना बंद कर दिया था। स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि नहीं देने वाला, मतलब भूल जाओ लिटरली। अगर आपको सामने वाला मना ही कर दे तो क्या करोगे ना? जहां पर आपने कंप्लेन भी डाला है, उनके रूल के अकॉर्डिंग भी सामने वाले के पास अभी फ्लोर पर कुछ नहीं है, तो क्या करोगे ना? जीरो, ये वाली परसेंटेज ही समझोगे ना। मेरे हस्बैंड ने एक दिन मुझसे इस बारे में बात की कि तुम्हारे उनके पेमेंट का कुछ हुआ, क्योंकि उनको पता था वहां पर इशू हो गया है पेमेंट को लेकर के। तो मैंने उनको बोला कि नहीं हुआ, और बेटर होगा कि ना अब हम उस टॉपिक पर बात ना करें, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया था कि ना ऑब्वियसली यार आपका पेमेंट कहीं पर फंसता है तो अब थोड़े तो डिस्टर्ब हो ही जाते हो ना। तो उनको लगा कि शायद मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, बट मैं ना ये नेगेटिविटी को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी कि अब मैं अपने घर पर भी उस टॉपिक पर बात करूँ। तो हमने उस टॉपिक पर उस दिन के बाद कभी बात नहीं की, उस प्रोडक्शन हाउस के बारे में हम दोनों ने कभी भी अपने घर में बात नहीं की। तो यहाँ से आप इस वाले पॉइंट को उठा सकते हैं कि अगर आपके घर में उस चीज़ को लेके, उस इंसान को लेके कंटिन्यू बात होती है और वो भी नेगेटिव होती है, तो बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल भी अपने घर में नेगेटिव उस इंसान के बारे में बात ना करें, क्योंकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं आप उसके पास में भेज रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या करनी शुरू की, मैंने एफर्मेशंस देने शुरू किए। थैंक यू, मैं उनका नाम लेती थी, मैं उनका नाम ना यहाँ ले नहीं सकती हूँ, बिकॉज नहीं ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैं उनका नाम लेती थी और मैं ये उनके नाम के साथ में एफर्मेशन लगाती थी कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे मेरा पूरा पैसा दे दिया और इतनी आसानी से दे दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने ये अफर्मेशंस कंटिन्यू बोले, कंटिन्यू बोले, मतलब 2 महीने तो मुझे याद है, क्योंकि मैं ना लेट गो नहीं कर पा रही थी। उसके पीछे एक और रीजन था, और आर्टिस्ट भी कॉल करते थे, कभी कभार हेयर ड्रेसर भी कॉल कर देती थी कि पेमेंट किया क्या मैम, उन लोगों से बात हुई क्या, मतलब बहुत सारे लोग थे वहां से जो कॉल करते थे। तो धीरे धीरे ना मैंने उनको सीधा बोल दिया, उन्होंने मना कर दिया है, प्लीज आप लोग मुझको इस टॉपिक पर बात करने के लिए कॉल नहीं करो, आप लोगों को जो बात करनी है आप डायरेक्ट प्रोडक्शन में बात करो, क्योंकि मेरा भी नहीं आया। तो उनको समझ में आ गया कि मेरा भी पेमेंट जो था वो नहीं आया है। ठीक है, आप समझ रहे हो, पूरी की पूरी यूनिट का पैसा जो था वो फंसा हुआ था। मैं एफर्मेशंस देते रही, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे पैसे दे दिए। उसके बाद में जब मैंने सब लोगों से बात करनी इस टॉपिक पर बंद कर दी, मैंने धीरे से लेट गो किया, मैंने छोड़ दिया और ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि उन्होंने मुझे मेरे पूरे के पूरे पैसे दे दिए हैं,
मेरे ही नहीं मेरी पूरी यूनिट के पैसे उन्होंने दे दिए हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सच में बता रही हूँ, मैंने ऐसा फील किया जैसे कि वो पैसे मैंने खर्च कर दिए हैं, उन्होंने तो दे ही दिए थे, वो पैसे खर्च हो गए हमसे, ओके इट्स ओके। मैंने इस चीज को ना इतना ईजी कर दिया कि वो पैसे ही मुझसे खर्च हो गए, वो पैसे हमारे घर में कहीं खर्च हो गए, वो पैसे मैंने खर्च कर दिया, मैंने अपने बेटे की फीस दे दी, अपना कुछ भी कर दिया, बस मेरे से खर्च हो गए, मेरे पास नहीं है, उन्होंने तो पैसे दे दिए, उनका काम खत्म। एंड ट्रस्ट मी, उस इंसान ने जबरदस्ती मुझे बुला करके पैसा दिया है। उन्होंने जब मुझे फोन किया, मेरा लेट गो बहुत तगड़े वाला होता है, जब मैं लेट गो करती हूँ ना तो मैं लेट गो ही कर देती हूँ। मैंने उनके प्रोडक्शन के सारे नंबर्स को डिलीट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, मतलब मुझे कॉल भी नहीं आ सकते थे। सोचिए यार, मैंने इतना गंदा वाला लेट गो किया था कि यार उसने दे ही दिया है और अब मुझे इन लोगों के साथ में काम नहीं करना है फ्यूचर में, तो फिर अननेसेसरी ना क्यों फालतू में। सबके नंबर ब्लॉक, अभी मुझे कोई कॉल भी नहीं कर सकता था, कुछ नहीं हो सकता था। एंड धीरे 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 सारी चीज़ें जब मेरे सामने आई, तो कैसे आई वो मैं आपको बताती हूँ। जब हमने शूट शुरू किया था तो वहाँ पर हमारा एक अग्रीमेंट होता है, वहाँ पर मेरा एड्रेस था, मेरे एड्रेस के साथ में जो मैंने एक ऑप्शनल नंबर वहाँ पर दिया हुआ था कि बाई चांस अगर ना लगे तो आप मेरे हस्बैंड को कॉल कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड का भी नंबर वहाँ पर था, मेरा ईमेल आईडी था, ईमेल पर भी उन्होंने बहुत सारे मेल्स किए थे, वो भी मैंने नहीं चेक किए मैंने वो भी नहीं चेक किया, मुझे सच्ची नहीं पता कि कोई मेल वगैरह आया हुआ था। और कुछ टाइम हो गया है इस चीज़ को, ये सारी चीज़ें हुई हैं, उन्होंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया है और मेरे हस्बैंड को बोला कि ऐसा ऐसा शांभवी का पेमेंट है और आप खुद बता दो कि हम चेक डिपॉजिट कर दें या आप चेक लेने के लिए आ रहे हो। मेरे हस्बैंड इतने शॉक्ड हो गए और उन्होंने मुझे बोला कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन उस वक्त हम अपने किसी काम में इतने ज़्यादा उलझे हुए थे कि हम पेमेंट लेने नहीं जा रहे थे। उन्होंने इतनी जबरदस्ती कर करके पेमेंट किया, आप सोचिए पैसे देने वाले ने मुझे दूसरे नंबर से कॉल किया, नहीं तो होता क्या है हम दूसरे नंबर से उसको कॉल करते हैं क्योंकि वो हमारा नंबर ब्लॉक कर चुका होता है। मेरे केस में पूरा उल्टा हो गया, मैंने उसका नंबर ब्लॉक किया था, उसने मुझे किसी दूसरे नंबर से, क्योंकि दूसरे नंबर से ऑब्वियसली आपके पास में आ जाएगा कॉल, और वो भी ना कोई अननोन नंबर था, और ट्रू कॉलर पर जो नंबर दिखा रहा था ना वो मेरे एक फ्रेंड का नंबर दिखा रहा था, तो मुझे लगा ये कहाँ से फोन कर रहा है, उसने मेरे फ्रेंड के कॉल से मुझे कॉल किया, ट्रू कॉलर पर मेरे फ्रेंड का नाम आ रहा है जबकि उसका भी नंबर मेरे पास सेव नहीं था। अभी सोचिए उसने इतना जबरदस्ती करके मेरे घर के पास में आ करके मुझे पेमेंट दिया है मिठाई के डिब्बे के साथ। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ भी हो रहा है, पहले तो उन लोगों के लिए नेगेटिव बात करना बंद कीजिए, अफर्म कीजिए और फील कीजिए कि उन्होंने आपका सारा पैसा दे दिया है, सारा पैसा दे दिया है, जो भी पैसा था आपका वो दे चुके हैं, वो सारा का सारा पैसा। और जब आप ये सोच लें कि वो सारा का सारा पैसा आपको दे चुके हैं, उसके बाद में आप लेट गो करें। इसके साथ एक चीज़ और अच्छी हुई, क्योंकि मैं पूरी यूनिट के लिए भी अफर्म कर रही थी, उन लोगों को भी उन्होंने पूरा पैसा दिया और उसके बाद में उन्होंने कोई दूसरा जो शूट था शुरू किया, क्योंकि वो शूट ही सबका पैसा देने के बाद में कर सकते थे, क्योंकि उन्हें अगर फ्लोर पर जाना है और सब लोगों ने कंप्लेंट डाला हुआ है तो उनके फ्लोर पर जाते के साथ में सेंटा उनको रोक लेगा। सोचिए, आपको जबरदस्ती करके कोई बुलाता है। आप यहाँ पर ना एक और मैं आपको गणित बता देती हूँ, जैसे हमारा जो काम है ना, हमारे काम में बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शंस ऐसी हरकतें करते हैं कि वो ऐसा चीज़ें करते हैं, लोगों का पैसा मारते हैं, उनका करोड़ों करोड़ रुपया इस सारी चीज़ों को करने में बचता है। जब उनका ये सारा बचता है तो वो अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम चेंज कर देते हैं और दूसरे प्रोडक्शन हाउस के नाम से वो चलाते हैं। ये चाहता तो ये भी वैसा कर सकता था, लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया, इन्होंने सेम प्रोडक्शन के साथ में काम किया, बल्कि इतना कोई खास पुराना प्रोडक्शन हाउस भी नहीं था ये। एफर्मेशंस साथ में लेट गो और आपकी फीलिंग, जब ये सारी की सारी एक उच्च स्तर पर पहुंचती है ना, तो आप वहां उस एनर्जी को, वो सारा मैसेज भेज रहे होते हैं बिल्कुल पॉजिटिव होके। इसके बीच में आप देख रहे हैं मेरा लेट गो कितना तगड़ा था, इतने तगड़े लेट गो के साथ में
होना ही था, इसीलिए मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। उसने मुझे सारा का सारा पैसा मेरा चेक एक मिठाई के डिब्बे के साथ में मुझे दिया है। अच्छा, ये सारा काम होने में कितना टाइम लगा? 2 महीने तो मैं कंटिन्यू अफर्म कर रही थी। उसके बाद में जब मैंने लेट गो किया है, मुझे मेरा पूरा पेमेंट मिलने में 6.5 महीने के ऊपर ही लगा है, 7 मंथ्स आप मान लो, 7 महीने मुझे टोटल लगे हैं एफर्मेशन देने में और लेट गो करने के बाद पूरी तरीके से भूल जाने में। उसके बाद में मुझे मेरा पेमेंट आ गया था, उसके बाद में मुझे मेरा पूरा का पूरा पेमेंट आ गया, वो भी मिठाई के डिब्बे के साथ में। तो अगर आप कभी कहीं पे पैसा फंसा हुआ है, कहीं पर भी पैसा फंसा हुआ है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो और इसका जादू देख सकते हो, लुत्फ उठा सकते हो। आपके सारे पैसे आपके ही हैं, आपके पास आ जाएंगे, आपके ही हैं, तो फील करना इजी है कि आपको मिल गए हैं। इट्स ओके, आपके ही हैं ना, कहीं नहीं जाएंगे, ईश्वर उन्हें कहीं नहीं जाने देगा। बट हम फील नहीं करते, हम घर में सारा दिन उन लोगों के लिए नेगेटिव बात करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।